गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ जयंती जोशी फ्रॉम पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानोमत्ता। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश, सब सब्जेक्ट हनी ड्यू। टुडे आवर चैप्टर फर्स्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इन दिस स्टोरी द राइटर टेल्स अस दैट ही सॉ अ रोल्ड अप डेस्क इन अ जंक शॉप। ओके, I spotted in a junk shop in a bright coat a rolled up desk। देखिए राइटर क्या कह रहे हैं कि मैंने क्या करा है, कबाड़ी की दुकान में rolled up desk देखी। rolled up desk means fold होने वाली, okay? जो fold हो जाती है। उस rolled up desk को उसने देखा उस कबाड़ी की दुकान में। The man said it was early 19th century। जो वहाँ पे जो कबाड़ी की दुकान में जो व्यक्ति बैठा था उसने कहा, द मैन सेड, क्या कहा उसने कि ये जो रोल्ड अप डेस्क है ये कब की है, अर्ली 19th century से पहले की डेस्क है। एंड मेड ऑफ ओक। ओक क्या है, एक प्रकार की लकड़ी होती है, ठीक है, बलूत की लकड़ी कहते हैं, तो उसकी बनी हुई है, उसका बना हुआ था। आई हैव वांटेड वन, मैं उसको लेना चाहता था, मैं उसको खरीदना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं उसको लूँ। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो क्या थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगे थे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। वो जो डेस्क थी वो क्या थी, बैड कंडीशन में थी, यानी कि बहुत बुरी स्थिति में थी। द रोल्ड अप डेस्क इन सेवरल पीसेस, जो रेड ब्रेड जो आपकी जो रोल्ड अप डेस्क थी वो क्या थी, सेवरल पीसों में बटी हुई थी, मीन्स उसके बहुत ज़्यादा अलग अलग पार्ट हो रहे थे, इतनी बेकार वो हो चुकी थी। वन लेग क्लम्सी मेंडेड स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड से क्या हो रहा था, उसमें पूरे स्क्रैच पड़े हुए थे, ठीक है, पूरे स्क्रैच थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और जो वो थी वो क्या करती, बहुत सस्ते में बिकती, बहुत सस्ते रेट में जा रही थी। आई कुड रिस्टोर मीन्स दोबारा उसको बनाना, ठीक है, मैं इसको क्या करूँगा, इसको दोबारा बना लूँगा, कोशिश करूँगा इसको दोबारा तैयार करने की। इट वुड बी अ रिस्क, लेकिन ये क्या था, एक बहुत बड़ा रिस्क होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। चैलेंज, एक चैलेंज था मेरे लिए, ठीक है, बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए, चैलेंज था। बट किंतु आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे तो ये लेना था, ठीक है, मुझे तो ये चाहिए था। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्करूम। आई पेड मीन्स होता है उसको पैसे देना, मैंने उसको पैसे दिए, किसको, जो उस जंक शॉप में जो मैन बैठा था उसको, ठीक है, आई पेड द मैन, मैंने उस मैन को पैसे दिए। एंड ब्रॉट, और मैं उसको ले आया, ठीक है, ब्रॉट मीन्स लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, ठीक है, मैं उसको ले आया। इट बैक टू माई वर्करूम, अपने वर्करूम में ले आया, जहाँ पे मैं अपना क्या करता था, काम करता था, मेरे जो काम वाला रूम था एक वर्करूम, तो मैं वहाँ उसको ले आया। एट द बैक ऑफ द गैराज, जो कि कहाँ था, गैराज के पीछे था। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने क्या किया, आई वर्क ऑन, मैंने काम करना शुरू किया एक उस पर, ऑन क्रिसमस ईव, कब शुरू किया, क्रिसमस ईव, ईव मीन्स देखिए यहाँ पे इवनिंग को कहा गया, ठीक है, क्रिसमस की शाम को, क्रिसमस की शाम को मैंने क्या किया, ये काम शुरू किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने उस रोल टॉप को कम्प्लीटली मीन्स पूरे तरीके से साफ किया, ठीक है, रिमूव, पूरा साफ किया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और जो उनकी ड्रॉर्स थी उनको भी मैंने खोला। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, देखिए वेनियर मीन्स है परत, ठीक है, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड, कह रहे हैं एक लेयर है इसके ऊपर, जैसे आप यहाँ पे जैसे कोई भी चीज़ें तैयार करते हैं इसके ऊपर, उसको मतलब सजाने के लिए डेकोरेटिव एक वुड, एक लकड़ी होती है ना डिजाइन वाली, तो उससे क्या करते हैं उसको डेकोरेटिव उसके ऊपर चिपकाई हुई थी। द वैनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो जो वैनियर थी, ठीक है, जो परत थी, तो वो क्या थी, हर जगह से क्या हो रही थी, उखड़ रही थी, ओके,
ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लिफ्टेड मीन्स उखड़ना, ठीक है, उखड़ रही थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पानी से ख़राब हुई है, ठीक है, इसको ये डैमेज किसकी वजह से हुई है, पानी की वजह से। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस टेस्ट, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आग जल आग लगी होगी कभी किसी रूम में या कहीं पे, तो उसमें क्या होगा, आग पहले ये आग से जली होगी, उसके बाद फिर इसमें पानी डाल दिया तो पानी से बुझाया होगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, आग और पानी दोनों के द्वारा क्या हुई है, डैमेज हुई है, यानी कि दोनों के द्वारा इसको नुकसान पहुँचा है। द लास्ट ड्रॉट वॉज स्टक फास्ट, जो लास्ट ड्रॉट थी वो बहुत फास्टली स्टक थी, यानी स्टक में होता है चिपकी हुई या जुड़ी हुई, मतलब बहुत टाइट से बंद थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने उतना पूरा कोशिश की उसको, पहले तो मैंने उसको क्या करा, आराम से खोलने की कोशिश की। इन द एंड आई यूज ब्रॉड फोर्स, और उसके बाद क्या हुआ, जब वो आराम से नहीं खुली तो मैंने जितना मैं फोर्स लगा सकता था उतने जोर से मैंने वो क्या करा, उस ड्रॉट को खींचा। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवेल अ सैलो स्पेस अंडरनेथ, और जब मैंने उसको ज़ोर से खोला तो क्या हुआ, उसके अंदर जो सेलो से चिपकी हुई थी, ठीक है, वो पूरा अंदर से उसके अंदर क्या मिला, अंदर अंदर की तरफ से एक स्पेस था, ठीक है, और सीक्रेट ड्रॉर, और जो कि क्या लग रहा था, एक सीक्रेट ड्रॉर लग रही थी, यानी कि एक सीक्रेट ड्रॉर होती है, मतलब जो सीक्रेट हो किसी के लिए, जिसको हर कोई नहीं देख सकता है, ठीक है, केवल वही खोल सकता है जिसको उसकी ज़रूरत हो। देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहाँ कुछ था, देयर वॉज वहाँ क्या था, समथिंग कुछ। I reached in the took out a small black tin box. मैंने क्या करा, उसके अंदर एक क्या पड़ा, क्या मिला मुझे, एक ब्लैक टिन बॉक्स मिला, एक टिन बॉक्स था ब्लैक कलर का, वो मुझे वहाँ पे दिखाई दिया। सेलो टेप ऑन द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उसमें क्या था, जो नोट पेपर था उसके अंदर तो सेलो टेप से बिल्कुल चिपका हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग, और किस में लिखा गया था, सेकी हैंड राइटिंग में, सेकी हैंड राइटिंग में उल्टे हाथ से, मतलब तेजी वाली स्पीड में, ठीक है, सेकी हैंड राइटिंग में जल्दी जल्दी वाली स्पीड में लिखा गया था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1950, जो जिम्स थे, जिम्स का लास्ट लेटर था ये, ठीक है, जिसमें डेट क्या लिखी हुई थी, 25, 1950, टू बी बरीड विद मी वेन द टाइम कम्स, और जो कि क्या था, उसका समय जब आना था तब उसको खुलना था। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कह रहे हैं ये मेरे लिए गलत था अगर मैं इस बॉक्स को खोलूं तो, लेकिन क्या है, गलत है किसी की बिना परमिशन के किसी का सीक्रेट खोलना, दिस इज बैड मैनर्स। बट क्रिस्टी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्लेस इट यूजली डज, लेकिन क्या था, मेरे को तो ही जानना था कि क्या है, क्यों है, कब से है, कहाँ, क्योंकि अब वो ड्रॉट तो क्या थी, ड्रॉट ऑफ डेस्ट था, तो कबाड़े में पड़ी थी ना, तो अब क्या था, वो किसी के यूज़ की नहीं थी, लेकिन जो अब क्या था, उसके अंदर जो ड्रॉट के अंदर जो सामान रखा था वो तो मुझे खोलना ही था, तो मैंने उसको खोला। तो इसके आगे का हम पैराग्राफ, आप स्टेंजा है आपका, ये पैराग्राफ है, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।